All right. Hello, everyone. Welcome to the third session of the Java Tech Gala as a part of the Confis Learning Series. I hope you all are doing well. Today, our presenters, Asim Siddiqui and Usama Iftihar, are going to deliver a session on Introduction to Kubernetes to discuss the basics of Kubernetes. So to set some ground rules, we will be having a question and answer session at the end of the presentations. But during the presentations, if you have any questions, you may ask them, and the presenters will answer them. So to quickly move to today's session, Usama Iftihar is our first presenter. So over to you, Usama. Thanks, Ajali. Hi, everyone. Assalamu alaikum. This is Usama, and I'll start this session with the agenda first. All right, so in the agenda, sabse pehle hum log jaun se hai container intro pe hum log baat karenge. ये जो उनसे हैं कंटेनर हम लोगों ने इन डेप्थ हम लोगों ने स्टडी हम लोगों ने डिस्कस किए थे डॉकर्स के सेशन में, तो आज उनका क्विकली सा रिकैप करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्यूबरनेटिस पे मूव करेंगे और क्यूबरनेटिस को देखेंगे कि बेसिकली क्यूबरनेटिस है क्या और ये किस तरह कंटेनराइजेशन में जो उनसे इसका क्या रोल है इसका. उसके बाद हमारे पास क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर है जिसमें दो मेजर पार्ट्स हैं, एक कंट्रोल प्लेन और वर्कर नोड. इनको हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, इनके जो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं तो हम उनके हर एक की हम वर्किंग हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे. उसके बाद एक सीक्वेंस डायग्राम है जो कि बेसिकली हम लोग का फ्लो बताएगी कि जो सा आर्किटेक्चर है उसमें सारे जो से कॉम्पोनेंट्स हैं उनका किस तरह उनका सीक्वेंस है, किस तरह वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं. तो यहाँ तक जो उनसे सारा जो सेशन अब तक थ्रेटिकल होगा, उसके बाद हम लोग फिर उनसे कुछ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एजेंडा पे हम लोग मूव करेंगे जिसमें हम लोग वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे जो हम लोग जिसके ज़रिए हम लोग अपनी एप्लीकेशन जो उनसे हैं वो कंटेनर्स के अंदर हम लोग अप करते हैं. तो उनमें पॉड रेप्लिकस है, डिप्लॉयमेंट एंड सर्विस है, ये जो उनसे हैं. फिर ये आसिमा के प्रेजेंट कर रहे होंगे, उसके बाद डेमो होगा जिसमें हम लोग एक एप्लीकेशन है जो उनसे है वो एक क्लस्टर के अंदर हम लोग अप करेंगे और उसमें हम लोग सारी सर्विस डिप्लॉयमेंट्स लेबल्स ये सारी चीज़ें हम लोग क्रिएट कर रहे होंगे. सो इसके अलावा मैं यही बता दूं कि जो सा ये जो क्यूबरनेटीज है बहुत ही एक वास्ट एक्सटेंसिव जो सा है एक टूल है. तो जो सा एजेंडा है ये केयरफुली डिज़ाइन किया गया हमारे आर्किटेक्ट्स की तरफ से, एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू नो द बेसिक टू इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्यूबरनेटीज एज वेल एज यू विल बी एबल टू डिप्लॉय an application in the Kubernetes cluster. All right, so सबसे पहले हमारे पास कंटेनर्स हैं. कंटेनर्स जो उनसे हैं जैसे हमने एक दो दिन पहले देखा, हम उनको डिस्कस कर ही रहे हैं कि ये जो उनसे हैं ये एक लाइटवेट एक जो उनसे बेसिकली एक पैकेज होता है जिसके अंदर सारे जो उनसे है विच कंसिस्ट ऑफ एंटायर रन टाइम एनवायरमेंट और उसमें जो उनसे उसकी एप्लीकेशन, उसकी डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज और उसकी जो बाइनरीज, कन्फिग्रेशन फाइल्स सब कुछ जो उनसे हैं वो एक उसमें पैकेज हुई होती हैं एक बंडल के अंदर. और इसमें जो उनसे है ये हमने देखा था कि इसकी हम लोग को ज़रूरत है हम लोग को इस वजह से है ताकि हम लोग एक आइसोलेट कर सके अपने सारे जो उनसे एप्लीकेशन है उसकी रन टाइम इन्वायरमेंट को और ताकि वो जो डिफरेंट जो उनसी एप्लीकेशन है जो कि सेम मशीन पे रन कर रही हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करें. इसका फ़ायदा ये भी होता है कि जो एप्लीकेशन होती है उसको हम लोग पोर्टेबल बना देते हैं कि वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स पे अंडरलाइन डिफरेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वो जो से एप्लीकेशन जो से है वो सेम तरह बिहेव कर सके. और फिर हमने देखा था कि जो से हैं कंटेनर्स ये काफ़ी लाइटवेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू VMs क्योंकि इसमें जो से है बेसिकली जो से हाइपरवाइजर है वो नहीं होते, इनकी जगह कंटेनर इंजन होता है और उनसे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा है वो हमारे पास नहीं होता जो कि काफ़ी हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम की न्यूज़ काफ़ी हैवी होता है इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एंड डिस्क स्टोरेज. सो इस वजह से जो उनसे कंटेनर्स हैं जो उनसे हैं ये आजकल ज़्यादा ये यूज़ हो रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने वर्चुअल मशीन को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया. बेसिकली ये जो दोनों जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर और दोनों इकट्ठे यूज़ होते हैं ताकि हम लोग अपने जो से इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सही से यूटिलाइज कर सकें. तो कंटेनर्स का फ़ायदा ये है कि ये इनकी जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है ये ज़्यादा होती है, ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा बेहतर होती है और उसकी वजह यह है कि जो से इसमें जो से वर्चुअल मशीन के केस में हम लोगों को फिक्स हम लोगों को मेमोरी और डिस्क हम लोगों को देनी पड़ती है हर वर्चुअल मशीन के लिए. कंटेनर्स में ऐसे नहीं होता, वो जो सा कंटेनर इंजन है वो सारी चीज़ें खुद मैनेज कर रहा होता.
ऑलराइट सो अब जो हम लोगों ने कंटेनर हम लोगों ने बना लिया, तो उसके बाद बेसिकली अब कंटेनर जोन से हैं उनको हम लोगों ने बेसिकली हमने किस तरह मैनेज भी करना है कि लेट सपोज अगर कंटेनर जोन से किसी तरह वजह से वो डाउन हो गया है या किसी वजह से वो सही से एक्ट नहीं कर रहा जिस तरह हम लोग चाहते हैं कि वो एक्ट करें, तो उसके लिए भी हम लोग कोई टूल चाहिए जिससे हम लोग सारे जोन से हैं ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकें। तो यहाँ पे जोन सा फिर है क्यूबनिटीज जोन सा है वो अपना रोल प्ले करता है, और जो क्यूबनिटीज जोन सा है ये एक बेसिकली एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम है जो कि सारे जोन से कंटेनर जोन से उनको मैनेज करेगा। तो बेसिकली जो क्यूबनिटीज जोन सा है ये गूगल ने डिज़ाइन किया था और ये 2014 में उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया, तो अब जोन सा है ये CNCF जोन सा है इसको मैनेज कर रही होती है, लेकिन इसका जो सारा जोन सा कोड है वो गिटहब पे पड़ा हुआ है, तो आप अगर देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं गो लैंग्वेज में जो सा ये सारा डेवलप हुआ है। तो इसके जो से फीचर्स हैं उसमें ये कि सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटीज़ हैं कि इसमें अगर कोई जो सा हमारे पास कंटेनर हमारे पास डाउन हो जाता है तो उसको ये दोबारा उसको अप एंड रनिंग स्टेट में लेकर आएगा, उसको ये इंश्योर करेगा, और इस प्रोसेस में कोई डाउन टाइम नहीं होता कि यूज़र जो सा है उसमें यूज़र को नहीं पता चलेगा कि जो सा कब एक कंटेनर जो सा डाउन हुआ और उसको रिप्लेस कर दिया गया। ये सारी चीज़ें हैं क्यूबरेंटिस खुद ही मैनेज कर रहा होता है। इसके अलावा ऑटो स्केलेबिलिटी और लोड बैलेंसिंग जो अगर हम लोग के कंटेनर्स पे जो से ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर उस केस में इनको हॉरिजॉन्टली स्केल करता है, वो कंटेनर्स के जो से इंस्टेंसेज है उनको ऐड करता रहता है हमारी जो से मशीन्स के ऊपर, और तो फिर बेसिकली नोड्स होती हैं उनके ऊपर ऐड करता रहता है, और फिर इस तरह दोस्त तक है वो जो स्मूथ जो से ट्रैफिक है वो इंश्योर कर सके। और क्यूबनिटीज जोन सा है वो CI/CD हमारी हेल्प करता है कि हम लोग इसके जरिए हम लोग जो से डेवलपमेंट से हम लोग डिप्लॉयमेंट स्टेज जोन सी है टिल प्रोडक्शन हम लोग एक आराम स्मूथ जोन से हम लोग की ट्रांजिशन हो सके और उसमें किसी किस्म का कोई इशू ना हो कि हमारे पास जो से डेवलपमेंट में कोई एप्लीकेशन चल रही हो और वो एंड पे जाके जब डिफरेंट सर्वर पर डिप्लॉय हो तो वहाँ जाके वो सही से वो रन ना करें। और क्यूबनिटीज का फीचर ये है कि ये ऑफ कोर्स रिसोर्स जो यूटिलाइजेशन है उसको काफ़ी बेहतर तरीके से ये मैनेज करता है कि इसमें कोई भी ऐसे नहीं होगा कि इसमें जो से इसकी कोशिश होगी कि जो से CPU जो हमारी जो मेमोरी है वो हम लोगों की वेस्ट हो रही हो। और इसमें बहुत से डिफरेंट किस्म के एडोन्स होते हैं जो कि हम लोग इसके अंदर प्लग एंड प्ले कर सकते हैं, और ये लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो से सिर्फ लिमिटेड हों टू सम एस्पेक्ट्स, ये काफ़ी डिफरेंट काफ़ी वर्सेटाइल काफ़ी डायनामिक काफ़ी डिफरेंट किस्म के इसके अंदर ये जोन से हैं, इसके अंदर बिल्ट इन टूल्स होते हैं, इसके अंदर टूल्स होते हैं मोस्टली जोन से हम लोग ज़्यादातर हम लोग लॉगिंग मॉनिटरिंग और सीक्रेट मैनेजमेंट के लिए जोन से हम लोग यूज़ करते हैं। और जो से क्यूबरनेटीज है ये कंटेनर रन टाइम जोन से है ये उससे ये किसी ये मल्टीपल कंटेनर्स को सपोर्ट करता है, इसमें सिर्फ एक दो के लिए सपोर्ट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा जो से हम लोग जो डिफरेंट जो कंटेनर्स सिस्टम जो हम लोग के मार्केट में हैं जैसे डॉकर कंटेनर डी और CRIO उसको उन सबको यूज़ करते हैं। बेसिकली इट ऑल इट नीड्स अ कंटेनर रन टाइम इन्वायरमेंट ठीक है जो कि कंटेनर बना सके, उसके बाद जब कंटेनर जो बना सके उसके बाद फिर सारे जो से मैनेजमेंट जो से सारी है वो क्यूबरनेटीज खुद करता है। अच्छा, और इसके बाद हम लोग अब आर्किटेक्चर पे आ जाते हैं। आर्किटेक्चर पे हम लोग देखने के दो जोन से हैं इसके मेजर जोन से हैं पार्ट्स हैं, उसमें एक में जोन से क्यूबरनेटीज जोन से है मास्टर है और दूसरा जोन से इसमें नोड्स हैं, तो इसको हम लोग इन डिटेल हम लोग आगे हम लोग अब डिस्कस करते हैं। और तो सबसे पहले हमारे पास वर्कर नोड्स हैं। वर्कर नोड से पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि बेसिकली नोड क्या होती है। तो नोड जोन सी है वो कोई भी फिजिकल या वर्चुअल मशीन होती है जो कि हमारे क्लस्टर में जिसको हम लोग ऐड करते हैं, और उसमें बेसिकली सारा जो सा वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ पे हम लोग के कंटेनर जोन से हैं वो रन कर सकें। तो मतलब इसमें हमारे पास जोन से है मेमोरी डिस्क और वो प्रोसेसेस की मैनेजमेंट वाली वो सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होनी चाहिए ताकि हम लोग अपने कंटेनर को हम लोग रन कर सकें। उसके बाद हमारे पास पॉड्स आ जाते हैं। पॉड जोन से हैं ये सबसे जो से स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि क्यूबरनेटीज जोन से है ये जिनसे वो डील करता है, और बेसिकली ये वो जगह जहाँ पे हम लोग के जो कंटेनर्स हैं वो रन हो रहे होते हैं। तो एक पॉड जोन से है उसके अंदर मल्टीपल जो से कंटेनर्स हैं वो रन हो सकते हैं,
और एक जो सी नोड है उसके अंदर मल्टीपल जो से पॉड्स हैं वो रन हो सकते हैं। हर जो से पॉड होता है उसमें उसको एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन होता है और उसके जिसके जरिए वो हम लोग उसको एक्सेस करते हैं। उसको बेसिकली जो से बायर्स जो ट्रैफिक होती है वो राउट होती है। और अगर जो से कंटेनर जो से क्योंकि एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स हैं तो अगर उन कंटेनर्स ने आपस में कुछ कम्युनिकेशन वगैरह करनी हो तो वो लोकल होस्ट पे पोर्ट्स को डिफरेंट पोर्ट्स उनको साइन होती है हम करते हैं और उसके ज़रिए फिर जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसके बाद क्यूबलेट है। क्यूबलेट जो है ये मेजर कंपोनेंट है वर्कर नोड का। इसमें बेसिकली ये होता है कि ये सारी जो वर्कर नोड है इसको मैनेज कर रहा होता है पोर्ट्स की क्रिएशन और मास्टर के जो से हम लोग मास्टर जो का जो कंपोनेंट है क्यूबनिटीज का उसके साथ इसी कम्युनिकेशन और सबको जो है ये मैनेज कर रहा होता है। तो सारा जो से कंट्रोल होता है वर्कर नोड का वो क्यूबलेट के पास होता है। और यही जो सा है ये जो सारा जो स्टेटस जो सा है नोड का पॉड्स का ये जो सा है ये मास्टर के पास भेजता है। इसके अलावा जो सा है क्यूब नेटवर्क प्रॉक्सी है क्यूब प्रॉक्सी है ये जो सी है ये सारे जो सी नोड की जो सी नेटवर्किंग है उनके साथ उसको ये डील करती है। इसमें जो सा TCP UDP कोई भी जो सी रिक्वेस्ट जो सी है किसी पोर्ट को आनी हो तो वो यहाँ से ये नेटवर्क प्रॉक्सी के जरिए होके वो वहाँ उसके तक पहुँचती है। इसके अलावा एड ऑन्स होते हैं डिफरेंट किस्म के हम लोग एड ऑन्स जो से हम लोग कन्फिगर कर सकते हैं जिसमें क्लस्टर DNS लॉग्स और मॉनिटरिंग वगैरह इन सब की जो से ये हम लोग एसोसिएट करते हैं अपनी वर्कर नोड के साथ। लेकिन ऑफ कोर्स ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये है कि ये हम लोगों के जो से वर्किंग है उसको काफ़ी अच्छा उसको मैनेजमेंट वाइज उसको बना देते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो सेकंड जो मेजर जो पार्ट है इसका आर्किटेक्चर का वो कंट्रोल प्लेन है जो कि बेसिकली मास्टर भी है जिसको मास्टर भी कहा जाता है। तो इसमें बेसिकली ये है कि इसके जो मेजर जो कंपोनेंट्स है उसमें API सर्वर्स कैजुअल कंट्रोलर और etcd है। सबसे पहले हम लोग API सर्वर को देखते हैं। API सर्वर एज इट्स नेम सजेस्ट ये जो सा है ये यूज़ होता है कि जिससे हम लोग सारी हमारे कम्युनिकेशन हम लोगों ने करनी होती है। तो इसमें बेसिकली ये तीन जो से मैकेनिज्म है वो प्रोवाइड करता है जिसमें एक CLI, UI और जो सा API जो सा है वो मौजूद है। तो CLI जो सी है CLI कमांड लाइन इंटरफेस इसके लिए दो टूल्स इस वक्त अवेलेबल हैं एक क्यूब CTL है और एक क्यूब ATM है। हम लोग अपने डेमो जो सा क्यूब CTL हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। इसके अलावा UI है UI भी जो सा क्यूबनिटीज ने एक डैशबोर्ड जो सा है वेब बेस्ड डैशबोर्ड बनाया हुआ है जहाँ पे जाके हम लोग अपना सारा जो सा स्टेटस है अपने क्यूबनिटीज के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का हम लोग उनको मॉनिटर कर सकते हैं और देख सकते हैं और कोई अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा API है API जो सी है वो REST बेस्ड API है जहाँ से जिसमें हम लोग वो काम सारे करते हैं जो हम लोग CLI से करते हैं। तो और जो सा और जब क्यूबरेटी जो सा है वो क्लाउड पर डिप्लॉय हो तो जो सा क्लाउड वेंडर जो सा है गूगल या माइक्रोसॉफ्ट उनकी अपनी API वो फिर अपनी API एक्सपोज करते हैं जिनके ज़रिए फिर हम लोग मास्टर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद स्केजुलर है। स्केजुलर जो सा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इसने सारे जो से पॉड्स जो से हैं उनको अप्रोप्रिएट जो से है वर्कर नोड पे उसने असाइन करना होता है। तो अभी यहाँ से अप्रोप्रिएट वर्कर नोड है ये कैसे डिसाइड करता है इसके लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम लोगों को क्यूबलेट हम लोगों को अपने नोड के बारे में भेजता है। उसमें डिफरेंट फ्लैग्स जो से हैं वहाँ से हमारे पास क्यूबलेट के जरिए आते हैं API सर्वर के पास जो कि जिसमें मेमोरी प्रेशर पिट प्रेशर पिट मतलब कि वो कितने प्रोसेस उसके रन हो रहे हैं ठीक है डिस्क प्रोसेसर तो ये जो सारी चीज़ें इसके पास मौजूद होती हैं तो उनकी बेस पे ये सबसे बेस्ट डिसीजन रहता है कि अभी अगर इसमें नया एक पॉड इसने स्पॉन करना है तो वो किस वर्कर नोड पे जाएगा। इसके बाद कंट्रोलर है। कंट्रोलर जो सा ये सारे हर चीज़ का जो से नोड्स उनके एप्लीकेशन एंड पॉइंट्स और सिक्योरिटी से रिलेटेड टोकन जो से हैं उन सबको ही मैनेज कर रहा होता है। इसको हम लोग बेसिकली हम लोग जो है अपनी स्पेक्स के अंदर स्पेसिफिकेशंस के अंदर हम लोग अपने डिजायर स्टेट बताए थे कि हम लोग जो से पॉड्स हैं वो किस तरह रन होने चाहिए उनके क्या स्पेसिफिकेशन है तो उस हिसाब से ये उनको जो से डिजायर्ड स्टेट और करंट स्टेट है उनको आपस में कंपेयर करता है। और अगर वो सही ना अगर वो आपस में मैच ना कर रही हो तो फिर वो नोटिफाई कर देता है जिसके ज़रिए हम लोग फिर अप्रोप्रिएट जो से क्यूबनिटीज़ जो है वो एक्शन लेता है। इसके बाद HCD है। HCD जो है ये एक की वैल्यू डेटाबेस है जो कि डेवलप की हुई है कोर OS ने।
यहाँ पे जो सा ये सारा जो सा डेटा जो सा है क्लस्टर का क्लस्टर जो सा इंफॉर्मेशन है वो इसमें स्टोर होती है। और इसके साथ जो सा इंटरेक्ट करता है वो एपीआई सर्वर करता है, और एपीआई सर्वर ने कोई भी जो डेटा है वो हम लोग वो एचसीडी में रखवाना होता है, यहाँ से रिट्रीव करना होता है। तो अगर हमने एपीआई सर्वर अगर हमने कोई चीज़ कही है कि हम लोग को कोई ऑब्जेक्ट जो सा है वो कन्फिगर कर दो, और ऑब्जेक्ट जो लेट्स सपोज अगर हमने कहा है कि इसको पोर्ट यहाँ से कन्फिगर कर दो, तो वो उसको वैलिडेट करके सबसे पहले उसके यहाँ बाद एचसीडी में वो सेव करा देगा, और वहाँ से फिर जो सा स्केड्यूलर जो सा है वो एक्शन लेगा कि उसने वर्कर नोड के अंदर उसने जो सा पोर्ट है वो स्पॉन करना। तो इसके बाद अब हम लोग एक इसकी सीक्वेंस डायग्राम देख लेते हैं कि बेसिकली जो सा ये सारा जो सा फ्लो है वो किस तरह जा रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग एपीआई सर्वर के साथ हम लोग ऑफ कोर्स हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो हम लोग उसको कहेंगे कि लेट्स सपोज अगर हमने पॉड क्रिएट करना है तो हम लोग पॉड क्रिएट की उसको कमांड देंगे, तो वो जो सा फिर स्पेक वैलिडेट करने के बाद हम लोग के इनपुट को वैलिडेट करने के बाद वो एचसीडी जो डेटाबेस है उस पास वहाँ पे वो सारी चीज़ वैल्यू जो सी है वो राइट करवा देगा, और उसके बाद फिर जो सा वो यूज़र को वो अप्रोप्रिएट जो सा रिस्पॉन्स है वो दे देगा अगर सारी जो सी स्पेक हम लोग की सही होगी। तो उसके बाद फिर एपीआई सर्वर जो सा वो नोटिफाई करेगा स्केड्यूलर को कि एक नई पॉड की रिक्वेस्ट है ये जो कि उसने क्रिएट करना है, तो वो फिर आउट ऑफ ऑल द वर्कर नोड वो बेस्ट वर्कर नोड को निकालेगा जो कि मोस्ट सुटेबल होगी इस पॉड के लिए, और वहाँ पे जो सा पॉड जो सा है वो वहाँ पे स्केड्यूल कर देगा। तो वो रिक्वेस्ट जो सी वापस एपीआई सर्वर को भेजेगा एक पॉड की पूरी डिटेल्स के साथ, और वो फिर जो सा एपीआई सर्वर है वो फिर क्यूबलेट के पास क्यूबलेट को जो सा है जो कि उस स्पेसिफिक वर्कर नोड का है वहाँ पे वो जो सा रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड कर देगा, और क्यूबलेट जो सा फिर वहाँ पे पॉड क्रिएट करेगा विद द हेल्प ऑफ जो सा कंटेनर जो सा कंटेनर का जो इंजन है वहाँ पे जो मौजूद है। और उसके बाद फिर जब पॉड जब क्रिएट हो जाएगा तो फिर क्यूबलेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस पॉड का और उस नोड का जो स्टेटस है वो एपीआई सर्वर को जो सा वो भिजवाता रहे ताकि जो सा मास्टर है इनको ताकि जो सा कंट्रोलर जो सा है वो उसको कंपेयर कर ले कंपेयर करता रहे, और जब कोई अगर उसको कोई इशू नज़र आता है तो उस केस में वो फिर अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके। तो ये भी हो सकता है कि अगर कंट्रोलर अगर दिखेगा कि जो जिस स्पेक के साथ हमने पॉड हमने क्रिएट किया था वो रन नहीं हो रहा, तो फिर वहाँ पे उसको जो सा वो जो पॉड है उसको रिमूव कर देगा और नया जो सा पॉड है उसकी जगह स्पिन अप कर देगा। तो इसमें जो सा क्यूबलेट जो सा है जिस प्रोसेस से जो एपीआई सर्वर को जो सारा डेटा भेजता है उनको बेसिकली वो हार्ट बीट्स उनको कहते हैं, और हार्ट बीट जो से वो आफ्टर सम इंटरवल जो से क्यूबलेट्स को भेजता रहता है। तो अगर एपीआई सर्वर को अगर किसी नोड से हार्ट बीट नहीं मिल रही तो फिर उसको वो एज अ वो उसको ऐसे कर वो उसकी जगह फिर वो नया जो सा है वो एक नोड जो सा है नया जो सा पॉड जो सा है वो वहाँ पे स्पिन करने की कोशिश करता है। या दैट्स इट फॉर मी आसिम, आगे आप कंटिन्यू कर रहे हैं यार। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अगर किसी का क्वेश्चन है यहाँ पे तो वो पूछ सकता है, या फिर हम लोग एंड पे अगर वो वेट कर सकते हैं तो फिर हम लोग एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे। सो इफ देयर आर नॉट एनी मोर क्वेश्चंस देन आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड। टिल नाउ हमने कुबरनेटिस के सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स देखे हैं और उसको आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि ड्राइव कर रहे होते हैं ओवरऑल क्लस्टर को। अब हम उसको एक और बर्ड आई व्यू से देखना चाह रहे हैं जिसके अंदर वो सारे पीसेज होते हैं जिनको हम क्लस्टर में प्लग इन करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है। सो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कुबरनेटिस के अंदर रिकग्नाइज की जाती हैं जो कि मिल के काम करती हैं, एंड देन इवेंचुअली वी हैव आवर एप्लीकेशन अप एंड रनिंग इन द क्लस्टर। इन आर्टिफैक्ट्स को जिस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है दे डोंट नेसेसरीली बिलोंग टू कंट्रोल प्लेन और एनी पर्टिकुलर नोड राइट नाउ, बट एज वी विल मूव फॉरवर्ड वी विल अंडरस्टैंड वेयर ईच कंपोनेंट वेयर ईच कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट लाइज एंड हाउ इट वर्क्स। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि
the most familiar word here is pod, जिसके अंदर containers होते हैं. Of course, a pod can have multiple containers. Pods are seated by an object called replica set. Replica set is going to make sure that I have a certain number of replications of a particular pod, so that we can have load balancing and a high availability as well. When we have a replica set, it is wrapped up by another Kubernetes object called deployment. Deployment जो है वो हमारी एक abstract object है जो कि हमारी किसी एक certain application को represent कर रही होगी और उस application से related जितने भी हमारे operational actions हैं, जैसे कि उसके अंदर कोई version update होती है या फिर उसको हम pause करते हैं या फिर replication count को increase करना है, इस तरह के सारे जो operations हैं वो सारे हम deployment पर perform करते हैं. And of course, when our application is up and running, it has to be exposed to some client. So that exposure is done by a service. This is to note that Kubernetes service object is an abstract object just intended to expose our application. इस वक्त अभी हमने ये clarify नहीं किया कि जो हमारी application है वो कहाँ expose हुई है. It can be exposed to another application residing inside the cluster, or maybe it can be exposed to an external client, some front-end application residing outside the cluster. Apart from this, हमारे पास कुछ और Kubernetes objects होती हैं जिसके अंदर persistent volume claims आते हैं जो कि storage से related जो हमारी configurations होती हैं उनको deal करता है. फिर उसके बाद हमारे पास so on and so forth कुछ दूसरे Kubernetes objects हैं जो कि हमें aid करती हैं हमारी application को deploy करने में, जिसके अंदर secrets आ जाते हैं और configuration maps आ जाते हैं. जो Kubernetes की objects हैं वो within the Kubernetes उनके दो parts होते हैं. One is Kubernetes spec and the other is Kubernetes object status. So जो यूज़र है वो ऑब्जेक्ट स्पेक डिफाइन करता है एंड अगेंस्ट अ स्पेक क्लस्टर इज़ गोइंग टू मेंटेन एन ऑब्जेक्ट स्टेटस एज वेल. जो मेजर डिफरेंस है दोनों में वो सिर्फ ये है कि यूज़र डिफाइंस द डिज़ायर्ड स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन दैट यूज़र वांट्स टू हैव एंड कुबरनेटिस मेंटेन्स एन ऑब्जेक्ट स्टेटस विच इज़ द एक्चुअल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट कुबरनेटिस वॉज एबल टू अचीव अंटिल नाउ in the way to have that desired state for that application. So jo Kubernetes spec hai ye hamare paas ek yaml format ke andar hum define karte hain, although we have option to define it in a json format. Hum ek example spec dekhenge jo ki ek pod ko define karne ke liye banayi gayi hai. So iske andar jo anatomy hai wo ek general anatomy hai जो कि किसी भी किस्म की जो Kubernetes ऑब्जेक्ट की स्पेक होगी उसके अंदर जो है वो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि डिफाइन ज़रूर होंगे. सबसे पहला सेक्शन जो होता है किसी भी स्पेक का Kubernetes ऑब्जेक्ट की, वो API वर्जन होता है और इसकी जो पहली वैल्यू है वो V1 है. जो Kubernetes का पहला वर्जन आया था उसके अंदर जितनी भी Kubernetes के ऑब्जेक्ट्स थी वो सारी API वर्जन V1 में अवेलेबल थी. लेटर ऑन जितनी भी ऑब्जेक्ट्स Kubernetes के लेटर वर्जन्स में आई उनके लिए हमारे पास डिफरेंट API वर्जन्स अवेलेबल है. एंड इफ वी डोंट डिफाइन द करेक्ट API वर्जन मे बी वी आर नॉट वी वुड नॉट बी एबल टू यूज अ लेटर वर्जन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. देन इफ वी आर डिफाइनिंग अ पॉड द काइंड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी पॉड. Metadata is the section where we define the name for the object and labels. Name is going to be a prefix for the pod instance that that would be created from this spec. Hum is spec ko use karte hue jitne bhi pods create karenge un sab ke jo prefix hoga usme ye wala name aayega jo metadata mein defined. Then we have labels that are used to classify and identify individual pods. Labels are going to be essentially key value pairs which can be used to filter pods and jo pods ko contain karne wali objects hain jaise ki service hai, replication set hai, replica set hai, deployment hai, wo in labels ko use karte hue selectors define karti hain
so that they filter the pods that they are going to operate on. Next is the spec, which has container name and image name defined for the for instance, we say Docker containers. So when we say name Redis, it is going to fetch the Redis image from the Docker hub and create a container out of it with the container name Redis. यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है कि जो कंटेनर नेम होगा वो भी एग्जैक्टली रेडिस नहीं होगा, रेडिस इज गोइंग टू बी अ प्रीफिक्स फॉर दैट कंटेनर. ठीक है जी. नेक्स्ट इज रेप्लिका सेट. रेप्लिका सेट की एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि इसको जो रेप्लिकेशन काउंट बताया जाएगा, इट हैज़ टू मेंटेन दैट रेप्लिकेशन काउंट फॉर द पॉड्स. It is going to, it guarantees that the availability of a specified number of identical pods on the best effort basis. Means ke initially it is going to spin up 3 pods for our application. But as the application works, we face some error and certain pod gets crashed. It is going to make sure that it spin ups another pod, but not necessarily we are going to have 3 pods all the time if we say. Then we have deployment. Deployment is the abstract object that is going to contain a replica set and a pod altogether. A deployment is always going to create a replica set with replication count 1. When we define a YAML spec for a deployment and don't define any replication, any replica set or any replication count, it is always going to create one replica set with one replication count and going to maintain that count. That essentially means to say that if I am going to create a pod using this spec and this pod unfortunately gets crashed, the pod is never going to be recovered from any state, because it was not being seeded by a replica set. But if a pod is created by a replica set or by a deployment, it is always going to maintain the count. So with our deployment, without defining any replica set, if it creates one pod, that one pod is going to stick around. In case of a crash or failure, it is going to spin up another pod. डिप्लॉयमेंट्स में कुछ कॉमन ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम आगे जाके डेमो में देखेंगे जो हम परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे कि हम अपने डिप्लॉयमेंट को अपडेट कर सकते हैं, जो अपडेट हम परफॉर्म करें उसको रोल बैक कर सकते हैं, विच रिक्वायर्स हिस्ट्री मोड, एंड देन वी हैव स्केल विच वी कैन डू फॉर हर रेप्लिका सेट एज वेल, एंड देन वी कैन पॉज एंड रिज्यूम आवर डिप्लॉयमेंट सो दैट वी कैन मेक मल्टीपल चेंजेस, एंड देन व्हेन वी रिज्यूम द डिप्लॉयमेंट दोज चेंजेस आर गोइंग टू बी अप्लाइड एट वंस. और इन अपडेट्स को परफॉर्म करने के लिए जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उनके अंदर डिफरेंट अपडेट स्ट्रैटेजीज होती हैं, जिनमें से जो डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी है उसे रोलिंग अपडेट्स कहते हैं. द अदर स्ट्रैटेजीज आर रिक्रिएट, कैनरी एंड ब्लू ग्रीन. द डायग्राम दैट यू कैन सी ऑन द राइट इज अपडेट स्ट्रैटेजी ऑफ ब्लू ग्रीन, वेयर वी हैव 3 पॉड्स डिप्लॉयड विद V1 इमेज. And then a V2 image has been applied to that deployment. It is going to use blue-green strategy and update, eventually going to replace all the blue pods with the green pods. Asim, I have a question here. कि आपने कहा कि अगर हम इस deployment के through, like let's say एक pod crash होता है, तो it's going to spin up another pod. So my question is कि during that time कि एक pod crashed है और दूसरा spin up हो रहा है, what will happen during that specific time? It is totally dependent on the situation. अगर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे deployment की जिसका replication count 1 है और हमारे पास कोई replica pod available नहीं है, so definitely that service is going to go down. When the user is going to hit that service, it is not going to get a good response out of it. But if we have a replication count set to more than greater than 1, then definitely the load balancer is going to make sure that a healthy pod responds to the user request. All right, thanks. Okay. And then we have service.
सर्विस को हम इंट्रोडक्शन सेशन के अंदर एक ओवरव्यू के तौर पे लेंगे बिकॉज सर्विस इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज टॉपिक इन कुबरनेटिस. सर्विस के लिए फॉर नाउ ये है कि इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट वे टू एक्सपोज एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन अ सेट ऑफ पॉड्स एज अ नेटवर्क सर्विस. द सेट ऑफ पॉड्स टारगेटेड बाय द सर्विस इज यूजुअली डिटरमिंड बाय द सेलेक्टर. एज आई मेंशनड देयर आर लेबल्स इन अ पॉड that are used to identify a pod, or maybe we can say classify a number of pods. Those labels are used by selector that we will see in next slides. Selector is going to filter the pods using the key value pairs defined in the labels and expose those pods to the respective scope of exposure that we have defined in that service. In the diagram on the right, we can see that we have a pod called DB prod. This pod is basically the database pod, and it has to be exposed to the web application pods. So it is exposed by a service of type cluster IP type service, and all three web application pods are able to access this database pod. This cluster IP type is the type of service which is used to expose service within the cluster. And then we have this node port type service that is exposing these web application pods to the client which is outside the cluster. What is node port type service? What is cluster IP type service? We are going to see that detail in the next session. In this session, we are concerned with the fact that we are able to expose our service and consume it. And we will see this in our demo. मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे. हाँ जी. अगर हम लास्ट स्लाइड पे चले गए. यस, अशर बात कर रहा हूँ मैं. एनीवेज, यहाँ पे है डीबी पोर्ट. सही है. तो एक्चुअली मैं समझना चाह रहा हूँ कि अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट लिए हैं उसके अंदर होता ही है कि आपके पास जो पोर्ट्स होते हैं उनके अंदर कंटेनर्स होते हैं और कंटेनर्स के अंदर चीज़ें चल रही होती हैं. अब अगर मैं फर्स्ट करता हूँ मेरे पास MySQL है, तो क्या इस पोर्ट के अंदर भी चार MySQL के जो कंटेनर्स होंगे वो चल रहे होंगे, डॉकर बेस इमेजेस? और अगर ऐसा ही है तो फिर वो आपस में कैसे इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि जो डाटा राइट हो रहा है वो सारा का? क्योंकि ज़ाहिर है उनको एक दफ़ा मेरी रिक्वेस्ट आती है, एक पे डाटा राइट हो जाता है, दूसरी दफ़ा में आती है वो किसी और पे जाकर राइट कर देता है. इनकन्सिस्टेंसीज आ जाएंगी, ये कैसे टैकल होगा? अच्छा अशर, इसमें यह है कि जब इस चीज़ को हम बिल्कुल एज अ लेमेंट जो डॉकर टर्म्स हैं उनके अंदर देख सकते हैं. जब हम अपनी एप्लीकेशन को रेप्लिकेट कर रहे हैं और मल्टीपल MySQL सर्वर्स के जो है हम कंटेनर्स को स्पिन कर रहे हैं, सो वी वांट टू हैव अ रेप्लिकेटेड MySQL सर्वर हियर. सो विच एवर MySQL इंस्टेंस इज गोइंग टू सर्व इट is totally an irrelevant topic here. Question ये है कि हमारे पास जो data है वो कैसे consistent हो रहा है. So यहाँ पे वही सारे concepts apply होते हैं कि अगर आप एक MySQL server को replicated environment में run कर रहे हो तो उसको हमने कैसे synchronize करना है, उसके अंदर data consistency कैसे लेके आनी है. और हमें ये पता है कि डॉकर एप्लीकेशन जब हम रन करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो स्टोरेज है वो हम वॉल्यूम मैप्स के थ्रू आउटसोर्स कर सकते हैं टू एन एक्सटर्नल स्टोरेज सिस्टम. एंड कुबरनेटिस एक्सप्लॉइट्स दैट फीचर ऑफ डॉकर एंड प्रोवाइड्स दिस फंक्शनैलिटी कि हम उसको किसी क्लाउड स्टोरेज के ऊपर एक्सपोज कर दें. सो दैट डिटेल इज फॉर एडवांस टॉपिक्स. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. या बाद में कर लेंगे, ठीक है. थैंक्स. Now we are going to see some specs for replica set and deployments. I have put them in parallel because we are going to see a lot of similarities. First, that API version that we are going to use for a deployment and a replica set is going to be apps v1. Here I would like to mention that deployment was available in Kubernetes ever since Kubernetes existed. So we can create a deployment using API version v1, but that is going to result in a deployment which is not going to create a replica set, but an legacy object of Kubernetes which serves the same purpose, and that is called replication controller.
because a replication controller is available in the API version v1. If we want to create a replica set, we will have to use API version apps v1. So this deployment is going to create a replica set instead of the older deployment that creates a replication controller. What is different difference between replication controller and replica set? As of now, replication controller is not under active development in Kubernetes. Replica set is in future going to have a lot of features, but as of now, there is only one difference between replication controller and replica set, that is selectors. In a replica set, we have equality-based selectors as well as set-based selectors. That the detail of that we are going to see in the topic of selectors that will be presented in the second session. For now, we are going to see the equality-based selectors. So let's continue. In the deployment, we can see API version. Then we have kind, replica set, or deployment. Metadata is going to contain name and labels. The name is going to be the name of the object, and labels are going to used to identify or classify the object. Then we have spec, in which we have to define replicas. In replica set, the replicas is a mandatory field, and in deployment, replicas can be omitted, but it is going to have a default value of 1. Then we have selectors. Selectors will be used to classify the pods that are going to be seted by this deployment or replica set. Match labels is going to be the field in which we are going to define the same key value pairs that we have defined in the pod. Then we have template. Template is going to be the pod template. And here again, we are going to have the metadata and spec. Metadata is going to contain labels, and spec is going to contain containers. In container, we are going to define the container name and image that is being used for the pod. And of course, in the pod spec, we can expose the ports that the application is going to use for serving its purpose. ये कुछ इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं जिनकी डिटेल हम अपने डेमो में भी देखेंगे. सो फॉर नाउ आई थिंक वी कैन लुक एट द डेमो. फॉर डेमो वी हैव सम डिटेल्स. लेट्स शेयर दोस डिटेल फर्स्ट. द डेमो दैट वी आर फॉलोइंग इज बाय यूजिंग अ टूल कॉल्ड मिनिक्यूब. Minikube is the tool that is used to deploy to spin up a Kubernetes cluster locally in our own machine for development purpose. You can follow this guide to install Minikube on your machine, whether it's Windows or Linux. The tutorial that the demo that you can see is inspired by the official Kubernetes tutorial that is available on the following links. What Minikube does is it provides you all the Kubernetes components that you have seen in the first section of the presentation, all the master components and the node components in one single machine. Minikube can be set up using a virtualization driver. The setup that you can see on my machine is using driver none, because I'm using Ubuntu, and Ubuntu supports a Linux container engine, which eventually enables us to use Docker or any other container engine. For Windows, definitely a virtualization software would be required. VirtualBox is recommended, but Hyper-V can also work. Once you will have your Minikube set up, this simple command can spin you up a Kubernetes cluster in your local machine. In Linux, when you will have this cluster working, you will have to set some permissions to the Minikube and kubeconfig files that are generated. What is Minikube and what is kubeconfig? Minikube is the command line utility that we are using right now. And for kubeconfig is sort of a certificate that is used
by a command line client, CLI client of the Kubernetes, which we are using is kubectl. So when you will be setting up Kubernetes locally, you will be installing Minikube. And kubectl, the two command line utilities that are required to run Kubernetes locally. So once we have our cluster up and running, we can see it by a Minikube status command that all the components configured are running. If we want to see that what is running inside our cluster, we can use the command kubectl get all to see. But that's not the whole picture because Kubernetes has a concept of namespaces. Here we can see that a default service called Kubernetes is running of type cluster IP. And this is the default service already created in a cluster. But if we want to see the whole picture, we will have to append another flag called all namespaces. So now we can see a lot of Kubernetes objects in our cluster. Here we have some pods defined. In the first column, you can see there is namespace, and most of the pods belong to kube system namespace. And pod names will be familiar to you from the introduction section of the presentation. We have core DNS, etcd, kube API server, kube controller, kube proxy, kube scheduler, and storage provisioner running, which are most of these are part of the control plane. And we have the kubelet as well, which is going to run the node, which is going to perform the node operations. Then we have kube DNS service here. And there is a daemon set called kube proxy, which is setting the, what is daemon set? It's a different Kubernetes object that we have similar to replica set, serving different purpose. Then we have a replica set, we can see for core DNS, and this will be all for the default Kubernetes cluster that we are available with. The application that we are going to deploy here is defined in these YAML files. Let's see what we have in our box. Asim, Faz here again. I have a question here. के ऊपर जो namespaces यहाँ पे keywords use हुए हैं, I want to ask के Kubernetes में भी namespaces का concept वही है जो Docker में होता है? No, जो Kubernetes के अंदर namespaces का concept है, it is totally defined in terms of Kubernetes. This namespace term has nothing to do with Docker. This is basically just to separate out this available feature that normally is used to separate out. In some places, I've seen it to separate out the environments. All the dev applications are going to be deployed in a dev namespace, and then prod applications are going to be deployed in a prod namespace, so on and so forth. Here you can see that the control plane pods are deployed in the kube system namespace. So that's the whole purpose of these namespaces in Kubernetes. Right. Thanks. Okay. So we had seen sample YAML files in the presentation. It had deployment and replica set defined. And now we are seeing our deployment here, which is going to serve a Echo server image. That simply returns the whatever is sent to it in the request, and we are going to use a service to expose it and serve it. We can see that the API version is v1 for the service kind. Is service metadata has a label and name. Then we have ports expose. The application that we are deploying serves on 8080, so the target port is going to tell that we want to use the 8080 port of the pod, and we want to serve the application on port 80.
so that it can be consumed by the service, by the client. Then we have this selector section, which has a key app and value hello node. We can see here in the deployment that the pod template has this label app and hello node. So this label is going to be selected by this equality based selector, and this service is going to expose all the pods created by this deployment, because all of those pods are going to have this label. So let's move ahead and create our application. The kubectl create hyphen f command is generic command to apply any YAML file defining spec. The kubectl would be intelligent enough to find the API version and its kind, and create and request the kube API server to create the respective object. So here we have the result telling us that the YAML was applied. I would immediately go and call kubectl get all. Now I can see that initially I had just one service in my cluster. Now I have a lot of other objects created. I created a deployment, so it definitely provided me a deployment. And again, the deployment has a replication count set to 3. It created a replica set for me. The desired replica count is 3. It is telling me that the current count is 3. And then we have pods created that as desired. Now we are going to create the service object. And now we will be able to see that our service has been created, and we will be able to access our service here. Because the cluster is deployed on my local machine, I can access the cluster right away using this IP. And this response is from the Echo server application that is default available. So it is telling me that there was nobody in the request. So it has just echoed nobody. So now we are going to perform other operations on this application. We are going to set, we are going to scale our application and change its replication count. Initially we had 3 count, so let's make it not 52, let's just make it 5. And I'll immediately go to kubectl get all. I can see that the pods have increased. There are 3 pods that having age 118 seconds and 2 more pods having age of 1 second. These are newly created pods. So now ek question hai, sorry, share here again. Ye jo pod hota hai, iske andar jo docker containers hote hain, wo actually matlab isme kya humne kitne configure kiye hain, kitne containers hote hain uske andar, aur kya hum containers ko control karte hain is tarah se ya nahi karte? बिल्कुल, इसके लिए हम जाके देखेंगे कि जो डिप्लॉयमेंट हमने क्रिएट किया उसके अंदर क्या डिफाइंड था. सो जो डिप्लॉयमेंट हमने क्रिएट किया दैट हैज अ पॉड टेम्पलेट एंड इट्स स्पेक सेज कंटेनर्स, एंड कंटेनर्स इज डेफिनेटली दोज हु आर फैमिलियर विद यमल बिफोर दिस दे नो दैट कंटेनर्स हियर इज अ लिस्ट एंड इट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट. दिस हाइफन डिफाइंस दैट अ न्यू ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड आई हैव ओनली वन कंटेनर डिफाइंड इन दिस पॉड. So if I want to create another container, another container in this pod, I will add another hyphen image and name and add the sidecar image container that I want to define in this pod. Asher, okay. Is that okay? ठीक है. Yes, मतलब एक pod के अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ applications के multiple containers भी हो सकते हैं. मतलब जरूरी नहीं है कि वो एक ही किस्म के हो. Exactly. That is technically completely true. But ideally, you do not create irrelevant applications in a single pod. Maybe you can create a supporting application or supporting tool, sidecar container to support that application. I haven't seen anybody creating a pod with
two different applications serving inside a pod. Okay, great. Thank you. Okay, so now we are going to see other operations that can be performed. By the way, if you notice, the kubectl scale command had a little flag at the end of the command, which is record. So we are going to use this flag shortly. Now, what I want to do is that I want to pause my deployment so that I want to make a change that doesn't get applied to it immediately. So the kubectl rollout pause command is going to pause my deployment. It is going to change nothing in this picture of the Kubernetes cluster inside. But if I go ahead and change something in the deployment, for that I can use kubectl set image deploy. Deploy is the short key for the deployment. And this is a deployment name, hello node. And hello node is again here, which is the container name as defined here. So what I'm telling it that the image, the container called hello node needs its image to be replaced by what I'm going to tell you now. The previous previous image was Echo Server 1.4. What I'm going to do is, for sake of example, I'm going to change it to Nginx to a certain version. So the deployment has been updated, but if I do kubectl get, I'm going to see that nothing changed and all the older pods with age of minutes is present in the cluster. Why it happened so? Because we have our deployment paused, and when we will resume it, it is going to apply it. And for that, I will use the command kubectl rollout resume. And in between these two commands, pause and resume, whatever I have applied is going to just stick with the spec and not get applied on the on the status of the object. Once I will apply the rollout resume, it is going to resume this operation and going to do something. Now I entered the kubectl get all command immediately so that I can see what was happening in between. There were new containers getting created and older getting terminated while it had some containers running. Most of you would remember that there was a section telling that there is a strategy when we are going to apply something to deployment. Here we can see that it was using the rolling update strategy and changing pods one by one so that we eventually have a zero downtime, which is again a theoretical term to say. Now, some time has passed and now I see it again, I'm going to have five running pods with a different image that now I have used. So I'll just go and use my service to access my application. And now I'm not going to see the response from the Echo server. Instead, I'm going to see the response from my I should have seen the response from Nginx. Let's see why we were not able to see response from Nginx. So what I will do is I will use describe command to see that. Describe. So describe command basically describes all the events that happened to this pod. And in this event section, we can see it created the pod successfully. So there was nothing wrong. But since we are accessing port 80, maybe it is available on port 8080. It's not going to work actually. It was
just meant for an example. The reason for it's not going to work is that the service is not configured to expose port 8080. Basically, yes. The reason that it is not going to work is in the service definition. The target port is 8080 and Nginx exposes port 80. So the target port had to be 80 so that our Nginx port gets exposed. So what I'm going to do next is going to see my rollout status. The right word is history. And again, I have to tell it what I want to see. As I told you that I was using a record flag in my commands that I was applying. Those actions were recorded to the deployment rollout history, and I can use this rollout history to revert back to a previous state, and that can be done simply by using an undo command. So now if I go to the history, I'll see that there was a 3 added which I hope would have changed the image of the cluster. Let's see, kubectl get all. I think I did not record it. Rollout undo. So after applying 2 undo actions, now we can see that the container are getting respawned. This indicates that the image is getting changed. So let's try to access our service back and see that if we were able to access the echo server that we had previously with us. It did not get back. Let's see what image it has described. So the image that this container has is Nginx. So these are not the containers that we are looking for. We will have to update our image to be able to access that. अच्छा है अगेन रोल आउट को वापस करने देना चाहिए था खुद ही इसको मतलब यस इट शुड हैव डन बट आई हैव सीन एज यू कैन सी इन द कमांड दैट आई एक्चुअली अप्लाइड आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड दिस एक्शन सो दैट्स व्हाई इट वाज नॉट एबल टू अनडू दैट एक्शन यू कैन सी द कमांड हियर आई डिड नॉट रिकॉर्ड द एक्शन सो दैट वाज द मिस्टेक दैट आई डिड ओके तो जब हमें अगला रोल आउट करना था एक वेरिएंट अगर हमें अपडेट करना तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा वेरिएंट उस कमांड को ताकि अगर कुछ गलत होता तो हम पीछे आ सकें अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो वो पीछे नहीं आएगा ऐसा एग्जैक्टली सो लेट्स चेंज आवर इमेज बैक एंड ट्राई टू एक्सेस आवर एप्लीकेशन सो अ लॉट ऑफ कंटेनर्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड एंड न्यू वंस आर गेटिंग क्रिएटेड. Let's wait for the time of peace. And now we have our echo server back. So these are the links that I would suggest everyone to follow and read more about it. Of course, this was an introduction session and we have skipped a lot of details and to complete the whole picture for the audience. And I would encourage everyone to go and have Minikube set up before the next session and have some
have some application deployed in the local machine so that everyone is comfortable with Kubernetes before we jump into advanced topics of Kubernetes that are followed in the next session. Thank you, everyone. I have one question. Yes. So I just wanted to ask you, when do we actually opt for a Docker swarm over Kubernetes? Yeah, that's maybe an FAQ. Everybody would have asked this question that why would we use Kubernetes and not Docker Swarm? Docker Swarm is the container orchestration solution provided by the Docker, but it has very limited functionality. Kubernetes was developed by Google, and later Microsoft also jumped in, and we have all the container orchestration related problems and their solution devised in a very robust manner in Kubernetes, whereas Docker Swarm is a very limited container orchestration platform available. As I showed you that there are different Kubernetes objects available. That can be used to deploy our applications that has some ranging from daemon sets. Then we have jobs. We deploy containers as jobs that get killed when their job is done. Then we can schedule pods. The one that scheduling is done by a deployment. Other scheduling when we have a job that needs to be run daily or maybe hourly, and then we have other available features which range to compatibility with the cloud providers, AWS, Azure, and GCP. The service that we used that we use to expose our application is basically pretty much integrated with these cloud providers, and we can have a load balancer created when we create a service. And the load balancer is going to be cloud provisioned load balancer. So such features are not available in Docker Swarm, and that's about it. अच्छा मेरा क्वेश्चन है अगेन जी सर अच्छा लॉग्स को हम किस तरह से टैकल करते हैं लाइक अगर 5-6 पोर्ट्स चल रहे हैं तो मैंने ये ट्रैक करना है कि किस मेरी रिक्वेस्ट कहां से कहां गई थी वगैरह वगैरह तो ये मैं किस तरह से ट्रैक करूंगा लॉग्स को ईच एंड एवरी पोर्ट लेवल इफ वी गो बैक टू the worker node and control plane images, you can see that we can install add-ons in a node. We have different solutions available. There is no one standard solution to do it. We have EFK logs. We have EFK stack available as an add-on with the Kubernetes. We will have Fluentd log beaters in individual nodes that are going to beat the logs from the Docker level, and otherwise we can have other solutions that are available in open source domain used and deployed our stack on the Kubernetes cluster as an add-on, and we can monitor our logs that way. Apart from that, we can apart from logging, we can also do monitoring. Which has to say that we monitor the CPU and memory usage of the node, and monitor individual pods that are spiking this usage, and based on that usage, we can define policies in the Kubernetes that to scale up and scale down such applications, which of course is an advanced topic. Okay. And final last question. बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि हम एक एप्लीकेशन के अगेंस्ट एक क्लस्टर बनाते हैं या हम एक क्लस्टर पे मल्टीपल एप्लीकेशंस डिप्लॉय करते हैं आई हैव नेवर सीन वन क्लस्टर फॉर वन एप्लीकेशन कुबेरनेटिस क्लस्टर इज सपोज्ड टू ऑर्केस्ट्रेट कंटेनर्स एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू हैव मल्टीपल एप्लीकेशंस गोइंग टू सर्व आवर होल सिस्टम सो वी आर गोइंग टू हैव मल्टीपल एप्लीकेशंस डिप्लॉयिंग वन कुबेरनेटिस क्लस्टर Great, thank you. Welcome. Do we have more questions? Yes, sir. In the demo, we saw the example of scaling the ports from 3 to 5 manually.
is there a way in Kubernetes in which we can configure then the auto scaling, like when we have the more load, our cluster automatically we scale in and scale out according yes. to the load? Basically, we have this feature called policies. We can define policies against our deployments and pods. I've seen two kinds of policies. One way is that we define constraints on our pods, that this pod can only get scheduled on a node which has 50% CPU free and 75% memory available. So the other kind of policy is that when our pods are hitting maximum CPU usage allocated to them, then create more pods by this factor. So we can have minimum and maximum number of pods set and a normal number of pods set when we are going to hit the CPU clocking. Then it is going to increase the number of pods incrementally to the maximum number of pods that we have defined in that policy. Okay, and what about the resources a pod can use? Can it use all the resources available in the system, or if we don't define any new resources, how much resources a pod will use? There are certain default values set to the amount of resource that is allocated to a pod. I was hoping it is available in the describe. No, it's not available in the describe. So there are certain default values. What I can recall is that CPU is maybe 25%, and such values are set to a pod, that certain CPU usage can be hit by a pod, because a node is going to have multiple pods scheduled on it, and it has to provide its CPU to all the nodes, all the pods on some criteria. So definitely we have some default values set to it, and those policies can again modify that, and the spec that we use to create our pod can also define it. The spec that we saw here is a very minimalistic spec, which only defines the necessary fields required to define our deployment. I would suggest you to go ahead and explore the API and look for the other configurations that allocate the resources to the pod. Sure, thank you. Okay. Asim, I have a question here. Yes, again. Asim, in the demo, jab humne usko, there is some echo. Okay, so in the demo, we saw ke humne 3 se usko 5 kiya tha, or I think pods ko kiya tha. To wo record kyunki hum nahi kar rahe the, to is wajah se wo show nahi hua hame jab humne usko describe kiya. Exactly. जो हमने actions perform किए थे, हमने उन सब के end पे record का flag नहीं use किया था. This is to note that the record flag is very necessary to use the rollout feature of a deployment. If we do not record an action, we will not be able to undo it or redo it. ठीक है. और अगर मैं इसको मतलब अगर एक confusion से हटाऊँ तो record की वजह से नहीं था. लेकिन क्योंकि हमने मीनवाइल पॉज भी की थी ना डिप्लॉयमेंट और उसके बाद फिर रिज्यूम की थी, तो वो रिकॉर्ड की वजह से नहीं हो रहा था, ना कि पॉज करने की वजह से. ऐसे ही है ना? बिल्कुल, पॉज और रिज्यूम से उसका कोई रिलेशनशिप नहीं था. ठीक. पॉज एंड रिज्यूम सिंपली डज इज दैट व्हेन अ डिप्लॉयमेंट इज पॉज्ड, ऑल द चेंजेस दैट आर मेड टू द डिप्लॉयमेंट स्पेक आर नॉट इमीडिएटली अप्लाइड टू द स्टेटस. इट इज गोइंग टू वेट. And when the resume command is initiated, then all the changes applied to the spec are applied at once to the status. Okay, thank you. So we are over our time. Do we have any more questions? Hello, yes, I have a question. मेरा क्वेश्चन है कि जब AWS के ऊपर हम डिफाइन करते हैं
आप स्पार्क स्टैक, तो उधर ये क्यूबरनेटिस कैसे काम करता है AWS की सर्विसेज के साथ? तो इज देयर एन इंटीग्रेशन और समथिंग लाइक दैट? या डेफिनेटली वी हैव डिफरेंट टूल्स अवेलेबल टू डिप्लॉय आवर क्यूबरनेटिस क्लस्टर ऑन क्लाउड प्रोवाइडर. द मोस्ट पॉपुलर टूल इज कॉप्स, क्यूबरनेटिस ऑपरेशंस. It's also a command line utility, just like Minikube that we use to deploy a Kubernetes cluster locally. And it's a tricky objective to achieve, to have a Kubernetes cluster deployed on a cloud. But different cloud providers provide their consolidated services to have Kubernetes cluster up and running. I think AWS provides Kubernetes as a service. That can also be used if the developer doesn't want the hassle to deploy the Kubernetes cluster in its own set of VMs to have a cluster up and running. Okay, thank you. All right, so let's wrap up the session here because we've gone over time. Thank you, Osama and Asim, for giving us the basic guidelines for setting up and using Kubernetes today. Thank you everyone who joined us, including the external audience. Hopefully we've learned a lot from today's session. Tomorrow we have another session which will go into the details of Kubernetes, called Kubernetes in Depth, to be presented by Komal Niamat and Abuzar Amin. I will be announcing the most active participant shortly, and also the Spell It Out competition is still on. So gather your friends and participate in that as well to win exciting presents. So that's it for today. Thank you everyone for joining. Thank you everyone.